दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों कलश टीवी का सीरियल फना इसमें मर जावा काफ़ी कम टीआरपी लेकर आ रहा है, 0.3 की टीआरपी लेकर आ रहा है, जो काफ़ी कम टीआरपी है कलश टीवी के लिए। वैसे तो ऑनलाइन के मामले में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टीआरपी लेकर आ रहा है, टॉप 5 में बना हुआ है या सीरियल फना इसमें मर जावा। पर ऑफलाइन टीआरपी ब्रैक की टीआरपी देखा जाए तो 0.3 की टीआरपी लेकर आ रहा है, जो काफ़ी कम टीआरपी है कलश टीवी के लिए। और अब बताया जा रहा है मेकर्स बहुत बड़ा चेंजिंग लाने जा रहे हैं इस सीरियल में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलने वाला है सीरियल फना इसमें मर जावा में। अब बात करें कि फना इसमें मर जावा सीरियल में क्या चेंजिंग देखने को हम लोग को मिलने वाला, तो दोस्तों खबरें की माने तो खबर सामने यह निकल कर आ रहा है कि फना इसमें मर जावा सीरियल एक लीप ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में हम लोग को सीरियल फना इसमें मर जावा सीरियल में जो एक लीप देखने को मिलने वाला है। और अब बात करें यह लीप किस तरह का होने वाला है, तो दोस्तों बताया जा रहा है यह लीप जो है 6 मंथ का होने वाला। जी हाँ दोस्तों, 6 मंथ का लीप लेने वाला है सीरियल फना इसमें मर जावा। अब बात करें यह लीप किस तरह का होने वाला है, तो दोस्तों खबर सामने यह निकल कर आ रहा है कि अगस्त्या यानी कि जैनी इमाम जो है अपने मेंटल एज, जब 8 ईयर के थे वो मेंटल एज से जूझ रहे थे, उसी एज में जो है वापस चले जाएंगे और हम लोग को जो है जैन इमाम यानी कि अगस्त्या जो एक बच्चे के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस लीप के बाद हम लोग को जैन इमाम यानी कि अगस्त्या एक मेंटल एज से सफरिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। और अब बात करें यार सीरियल में आखिर लीप क्यों लिया जा रहा है, तो दोस्तों बताया जा रहा है इस सीरियल में लीप इसलिए लिया जा रहा है कि मेकर्स इस सीरियल में जो है टीआरपी की इंक्रीज करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टीआरपी जो काफी कम ला रहा है इन दिनों सीरियल फना इसमें मर जावा 0.3 की टीआरपी लेकर आ रहा है, जो काफी कम टीआरपी है कलश टीवी। और यह भी बताया जा रहा है इस लीप के बाद अगर सीरियल फना इसमें मर जावा की टीआरपी में इंक्रीज नहीं नजर आई तो हो सकता है यह सीरियल जो है अंडर स्कैनर में चला जाए और यह सीरियल जो है कुछ दिनों के बाद ऑफ एयर भी हो सकता है। दोस्तों ऐसे में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आने वाले दिनों में इस लीप के बाद ऑडियंस को कितनी पसंद आती है सीरियल फना इसमें मर जावा सीरियल की स्टोरी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है सीरियल फना इसमें मर जावा सीरियल इस लीप के बाद क्या अच्छी टीआरपी इंक्रीज कर पाएगा, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह हम आप सभी के लिए सीरियल से जुड़ी अपडेट लाते रहते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली नई किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।